NH3 एंड NF3 में से किसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा है? क्यों? हरी अप जल्दी, क्यों? रेगुलर NH3 बनाइयो, NF दोनों ही नहीं है। क्या बनना है आपका सच्ची? मैं ऐसे ही आना बेटे MCQs में। देखो, नाइट्रोजन 2s2 2p3, सेंट्रल तो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन दोनों में नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों में लोन पेयर है, तीन बॉन्ड पेयर इसने हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं, तीन बॉन्ड पेयर इसने फ्लोरीन के साथ बनाए हैं, तो ज्योमेट्री तो सेम ही हुई। ज्योमेट्री में तो कोई फर्क नहीं है, लोन पेयर नाइट्रोजन हाइड्रोजन, लोन पेयर फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ज्योमेट्री तो दोनों की सेम है। डाइपोल मोमेंट किसकी ज्यादा और किसकी कम? जल्दी बोल दो। डाइपोल मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज कब ज्यादा अपीयर होगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तभी अपीयर होगा। अब नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं है? अलोंग द पीयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है या डिक्रीज? अरे भाई, नाइट्रोजन तीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेके बैठा है पीरियोडिक टेबल में, तभी तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन तो हाइड्रोजन बॉन्ड शो करते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन किससे खींच रहा है? हाइड्रोजन से खींच रहा है, तो पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है लोन पेयर के कारण नाइट्रोजन के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से खींच रहा है, तो नाइट्रोजन के ऊपर तो बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? थ्री पार्शियल, तो एक तरफ बहुत ज्यादा नेगेटिव एक तरफ बहुत ज्यादा पॉजिटिव आ जाएगा होगा। मगर हम नाइट्रोजन और फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, नाइट्रोजन की 3 है। अब नाइट्रोजन से फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, देगा थोड़ी ना उसको। इधर से फ्लोरीन खींच रहा है और उधर लोन पेयर के कारण उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब उसमें डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बहुत कम होती है NF3 की डाइपोल मोमेंट, क्योंकि एक तरफ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छाई हुई है और दूसरी तरफ भी छा रही है, मतलब नेगेटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो रहा है अब इस टाइम। नाइट्रोजन के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छाई हुई थी पहले लोन पेयर के कारण, अगर फ्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन देता तो और छा जाती, तो पोलैरिटी ज्यादा होनी थी, मगर फ्लोरीन खींच रहा है तो पोलैरिटी क्या होगी? कम होगी। समझ आ रही है बेटे? तो डाइपोल मोमेंट टू कंक्लूड आपको क्या बताती है? आपको ये बताती है कि कोई पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अगर पोलर मॉलिक्यूल होगा तो आपकी डाइपोल मोमेंट होगी, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट है। अगर नॉन पोलर होगा तो उसकी डाइपोल मोमेंट नहीं होगी। दूसरा, आपको मॉलिक्यूलर प्लेनर है या नॉन प्लेनर है। अगर प्लेनर में BF3 तो जीरो थी, अगर CH4 है तो जीरो है, अगर CCl4 है तो जीरो है। यही CH3Cl3 क्लोरोफॉर्म, तो उसकी डाइपोल मूवमेंट है। क्यों? एक तरफ H लगे, तीन क्लोरीन लगे हैं, ये भी देखना है। डाइपोल मूवमेंट हमें ये भी बताती है कि डिफरेंट एटम्स हैं। समझ आ रही है? स्ट्रक्चर प्लेनर है, स्ट्रक्चर लीनियर है, ये सब कुछ डाइपोल मूवमेंट बताती है। इसके अलावा बेटे और पैरामीटर्स होते हैं, बॉन्ड एंगल कर लिया, बॉन्ड लेंथ क्या होती है,
बस हम डिस्कस करते हैं बॉन्ड लेंथ हम कर चुके हैं, जैसे इन दोनों के बीच में जो लेंथ है दैट इज बॉन्ड लेंथ। जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। अगर सिंगल से डबल बोलोगे, डबल से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाओगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? डिक्रीज। या तो मैं ऐसे बोलूं, एसपी हाइब्रिडाइजेशन जब होती है तो बॉन्ड लेंथ कम होती है। इन केस ऑफ बॉन्ड लेंथ तो सबसे कम किसकी है? एसपी, फिर की एसपी टू, फिर एसपी थ्री। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है? जितनी मैं रस्सियों से बांधती जाऊंगी उतने आप पास आते जाओगे, ठीक है? तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती जाएगी। अगर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज है तो नेक्स्ट आती है बेटे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड से मैंने बांधा है तो आप जल्दी तोड़ोगे कि लेट तोड़ोगे? तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है कि किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो वी आर इंटेलिजेंट इनफ, अगर जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी, जितने बॉन्ड कम होंगे उतनी एनर्जी हमें कम लगानी पड़ेगी, ठीक है? बॉन्ड डिसोशिएट करने के लिए जो एनर्जी है दैट इज बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी, और वो बढ़ेगी जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे, जैसे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। एक बच्चा इस बेंच पे बैठा है और एक बच्चा उस बेंच पे बैठा है, बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी है, मैं कैंची लेके जाऊंगी तोड़ दूंगी। आप दोनों एक ही बेंच पे बैठे हो, बॉन्ड लेंथ छोटी है, मुझे जगह ही नहीं मिल रही है कैंची लेके जाने के लिए, ठीक है? तो जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या करती है? डिक्रीज। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली। बेटे आपको कंसेप्शुअल नॉलेज होनी चाहिए एमसीक्यू करने के लिए, ठीक है? जितने क्वेश्चंस कर सकते हो अगेन एंड अगेन आपको यही कहते रहते कर लो, डेफिनेशंस इसने पूछनी है वहां से। अब आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर जो कि है रिडॉक्स। क्या रह गया, क्या की रह गया हमने, क्या कुछ, सब सब कुछ हो गया। केमिकल बॉन्डिंग में सारी थ्योरीज कर ली, बॉन्ड पैरामीटर्स कर लिए, फजान्स रूल कर लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली, डाइपोल मूवमेंट कर ली, यही है चैप्टर। एक क्वेश्चन फजान रूल से बनेगा, डाइपोल मूवमेंट से बनेंगे, थ्योरी से तो बनने बनने हैं, चाहे वो वेस्पर है, चाहे वीबीटी है, चाहे आपकी एमओटी है, एमसीक्यू उसमें से आनी आने। एक रेजोनेंस रह गई है, वो मैं अभी बाद में करवाती हूँ, एक बार ऑर्गेनिक कर लो, रेजोनेंस जल्दी समझ आ जाएगी, क्योंकि चार इफेक्ट करने, इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमैरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस, इसमें जल्दी समझ आएगा। अब आ जाओ बेटे रिडॉक्स। रिडॉक्स में आपकी सिलेबस में दो चीजें हैं बेटे, ऑक्सीडेशन नंबर, उस पे तो एमसीक्यू आराम से बनेंगे, दूसरा आपकी बैलेंसिंग द रिएक्शन। बैलेंसिंग में ये हो सकता है कि आपको रिएक्शन गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, दो क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो चैप्टर डिवाइड हो क्या आएंगे, पहले 3 मार्क्स का रिडॉक्स होता था, अब एक दो नंबर का जितने का भी आएगा, ठीक है? अब आ जाओ जी रिडॉक्स। वी हैव डन इन क्लास 10th ऑल्सो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, जब साइड बाय साइड होती है उसे हम कहते हैं रिडॉक्स हो रही है, ठीक है? रिडक्शन हम कोई हम क्लासिकल कंसेप्ट नहीं, मैं आपको करवाने वाली, आपको पता ही है व्हाट इज क्लासिकल कंसेप्ट। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है? दिस इज अ क्लासिकल कंसेप्ट। मेन कंसेप्ट पे आए हैं हम अपने, जो मेन कंसेप्ट है व्हाट इज रिडक्शन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वट इज ऑक्सीडेशन, इट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट, ओके? सो अगर जिंक के साथ आप सल्फ्यूरिक एसिड या
जिंक के साथ आप HCl रिएक्ट कर रहे हो, तो आपको पता है आपके पास जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड प्लस क्या बनेगा? ठीक है, सो व्हाट इज रिडॉक्स? रिडॉक्स वो रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइड बाय साइड हो रही है. रिडक्शन में हम कहेंगे क्या हो रहा है बेटे, लॉस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब इसमें किसके लॉस हो रहे हैं, जिंक के, जिंक के लॉस हो रहे हैं. कैसे? जिंक से क्या बन रही है, जिंक टू पॉजिटिव. जब एलिमेंट्री स्टेट में कोई एलिमेंट होता है ना बेटे, एलिमेंट्री स्टेट में, तब उसकी जो अभी हम ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे, अभी मेन कंसेप्ट ही वो करोगे, अभी आप विलेंसीज पे करो, समझो पहले थोड़ा, हमने वो आपको देना होता है कि पुराना आता है कि नहीं. जिंक इस टाइम इसका कोई भी विलेंसी नहीं है, किसी के साथ कंबाइन नहीं किया, ये जीरो है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है, जीरो. अब जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन लूज करे हुए, तभी तो देखो जिंक टू पॉजिटिव है और एसओ फोर टू नेगेटिव है, तभी तो फॉर्मूला लिख रहे हो आप जिंक सल्फेट. हाँ, जिंक से जिंक टू पॉजिटिव बना, तो इस टाइम जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन. समझ आ रही है? इस टाइम हाइड्रोजन एज एच पॉजिटिव था एच पॉजिटिव, वन पॉजिटिव. हाइड्रोजन की क्या वैलेंसी होती है, फिर एच पॉजिटिव है और SO4 टू नेगेटिव है, तभी तो आपने ये फॉर्मूला बनाया है. ये क्रॉस, हाँ तो बड़ा अच्छा टीचर सिखाते हैं आपको, क्रॉस के अलावा और कुछ भी बताते हैं कि क्यों टू आता है, क्यों थ्री आता है, कि वो दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है. ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में एच पॉजिटिव है, इसमें हाइड्रोजन क्या है, जीरो. पॉजिटिव से जीरो की तरफ गया तो इसका क्या इलेक्ट्रॉन गेन करें, तो इसमें इसकी रिडक्शन हुई है और जिंक की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन. समझ आई? अब मेन कंसेप्ट आ जाओ, ये तो हमने एक ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट बोला, अब आ जाओ बेटे मेन कंसेप्ट जो क्लास प्लस वन में होता है, ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज होता है तब हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हुई है, जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो बोलते हैं रिडक्शन हुई है. ठीक है, पहले तो लिख लो, ये माइन्यूट डिटेल्स लिख लो, फिर मैं आपको समझाती हूँ सारा कुछ ऑक्सीडेशन नंबर निकालते के. फॉर रिडॉक्स रिएक्शन राइट डाउन, When oxidation number is increased, अब फिर क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर हम देखते हैं. When oxidation number is increased, then the oxidation is going on in redox reaction. Oxidation number increase होना means oxidation होना. Oxidation number decrease होना मतलब reduction होना किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में. तो एक अगर स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा उसी टाइम क्या होता है, डिक्रीज होता है. अब व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, राइट डाउन, राइट डाउन व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट in a compound ascertained according to a set of rules
set of rule on the basis that the electron in the covalent bond, electron in the covalent bond entirely belongs to the more electronegative atom. The more electronegative atom. कहते जी जब ये covalent, जैसे HCl एक covalent bond है, ठीक है, समझो इसको, मान लो HCl एक covalent bond से बना है, तो हम क्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, दोनों बॉन्ड कैसे मिला है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, क्लोरीन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन उस तरफ शिफ्ट हो गया, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, माइनस वन, और सात वाले का क्या है, प्लस वन, ये ध्यान से दोबारा पढ़ो क्या है, ये यही कह रहे ना, द ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ कंपाउंड असर्टेन अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ रूल, रूल हम आगे देखते हैं, ठीक है, रूल अभी लिखेंगे, उन रूल के अगर बेसिस माने तो यही है कि अगर इलेक्ट्रॉन का अगर कोवलेंट बॉन्ड बना है तो इलेक्ट्रॉन किसको बिलोंग कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लिए. अब रूल देखो क्या है, फर्स्ट रूल, ऑक्सीडेशन नंबर इन द एलिमेंट्री स्टेट इज ऑलवेज जीरो. ऑक्सीडेशन नंबर इन द एलिमेंट्री स्टेट इज ऑलवेज जीरो. नो वन विल बी गोइंग टू आस्क यू द रूल्स, इन रूल्स को समझो, ठीक है, देखो एलिमेंट्री स्टेट क्या है, जिस स्टेट में एलिमेंट रहता है, ये सारी एलिमेंट्री स्टेट है, ये सारी एलिमेंट, जैसे जिंक किया था अभी, यस, फिर सोडियम किया था, अगर ये अपने एलिमेंट्री स्टेट में है तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटे, जीरो, ठीक है. सेकंड रूल लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव वन, ऐसे लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन नेगेटिव वन, पॉजिटिव वन व्हेन अटैच्ड टू नॉन मेटल्स, नेगेटिव वन व्हेन अटैच्ड टू मेटल्स, तभी तो हाइड्रोजन को कोई स्पेस नहीं मिली, हाइड्रोजन दोनों की तरह ही एक्ट करता है, ठीक है, जब मेटल्स के साथ लगा होता है तो नॉन मेटल की तरह एक्ट करेगा, जब नॉन मेटल्स के साथ लगा है तो मेटल्स की तरह, जैसे कि अगर मैं सोडियम हाइड्राइड बोलूं, सोडियम हाइड्राइड, इस टाइम ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का माइनस वन है और सोडियम का क्या है, पॉजिटिव वन. अगर मैं मैग्नीशियम हाइड्राइड बोलूं तो इसका क्या है, माइनस वन, इसका क्या है, पॉजिटिव टू, जो भी इनकी वैलेंसीज आप कर चुके हो कि दो इलेक्ट्रॉन देते हैं या तीन देते हैं, ठीक है. अगर यही नॉन मेटल के साथ लगा हो, जैसे कि HCl, तब क्या है, पॉजिटिव वन, वाटर पॉजिटिव वन, ठीक है, जब नॉन मेटल्स के साथ लगा होगा तो पॉजिटिव वन, तब मेटल की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, जब मेटल्स के साथ लगा होगा तो नेगेटिव वन, तब नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करना, एनान लगा हो तो नेगेटिव वन, ठीक है. नेक्स्ट बेटे ऑक्सीजन आ जाओ, या हाइड्रोजन की बात कर ली, अब लिखो ऑक्सीजन, हाँ हमेशा नहीं होता ना, ऑक्सीजन जनरली इट इज माइनस टू, हमें पता है, बट इन द पर ऑक्साइड लिंकेज, जैसे कि H2O2, ठीक है, N2O2 कुछ भी, तो ये क्या हो जाएगी इसकी, माइनस वन, ठीक. अब
ये जब फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन विद फ्लोरीन, देखो जब ऑक्सीजन किसी और के साथ लगी होती है ना तो हम उसको ऑक्साइड्स बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। मगर जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ लगी है तो फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये फ्लोराइड्स बन जाती हैं, ये ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन फ्लोराइड, समझ आ रही है? क्योंकि इस टाइम ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है? जब ऐसा कंपाउंड है तो ये है प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में, जब ये है तो ये प्लस वन में है, ठीक है? एक्सक्यूज यस बेटे, ओ टू एफ टू जो है वो पॉजिटिव वन में मैम क्यों आया है? इस केस में यस मैम, सेकंड केस में, इस वाले सेकंड में केस मैम, सेकंड, यस मैम, यस बेटे सेकंड केस। देखो, जैसे ओ टू एफ टू है, ये दो फ्लोरीन लगे हुए हैं अब इस टाइम, कैंटीन मैम फर्स्ट केस में भी में दो ही कोई है? फ्लोरीन लगे हैं, फर्स्ट हाँ केस में जी भी दो फ्लोरीन लगे हुए हैं। हाँ, तो दो ऑक्सीजन भी है ना इसके साथ, इसके साथ ऑक्सीजन नहीं थे। अगर इसको ओपन ठीक है, स्ट्रक्चर बनाओ तो एट ए टाइम एक ऑक्सीजन एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, समझ यस मैम, आएगी? यस मैम, ये OF OF है, ऑक्सीजन स्टेट बताने के लिए। इस टाइम एक ऑक्सीजन एट ए टाइम पॉजिटिव वन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बॉन्ड एक बना के बैठा उसके साथ, एक एक तरफ है एक दूसरी तरफ है। ओ एफ टू का मतलब है दो ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन के साथ दो फ्लोरीन लगे हुए हैं। अब दो ऑक्सीजन बीच में, आसपास फ्लोरीन है, ठीक है? समझ आ गई? जैसे अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो हमें ये नजर आएगा, ये दोनों खींच रहे हैं, ये पॉजिटिव टू हो जाएगा, समझ आ गई? अब अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये तो परऑक्साइड होगी, इस फ्लोरीन से ये ऑक्सीजन से ये फ्लोरीन खींच रहा है, ये ऑक्सीजन से ये फ्लोरीन खींच रहा है, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर भी पॉजिटिव वन, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी पॉजिटिव वन। बात समझ आई बेटे? ऑक्सीजन इस केस में एक ऑक्सीजन से दो फ्लोरीन खींच रहे हैं, तो इसके ऊपर टू पॉजिटिव आ गया। बीच में तो इनका ये है कि एक दूसरे के साथ ही लिंक्ड है, इससे ये फ्लोरीन खींच रहा है, इससे ये फ्लोरीन खींच रहा है, तो एक एट ए टाइम एक फ्लोरीन एक ऑक्सीजन से खींच रहे हैं ना, तो ये पॉजिटिव वन हो गया। और ऑक्सीजन एक दूसरे से क्यों खींचेंगे? ऑक्सीजन एक दूसरे से तो नहीं खींच सकते, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में माइनस वन क्यों होती है? देखो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से खींच रहा है, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से खींच रहा है, तो ये भी नेगेटिव वन हो गया, ये भी नेगेटिव वन हो गया, ये ऑक्सीजन एक दूसरे से तो खींच नहीं रहे, तभी तो पर ऑक्साइड लिंकेज में इसकी माइनस वन होती है। बात हुई समझ? मैम एक बार दोबारा समझा दो, हाँ जी एक बार मैम दोबारा बता दो। बेटे, सी ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है ना, अब मैंने पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखवाने के लिए क्या बताया आपको, कि ऑक्सीडेशन नंबर जब भी हम असर्टेन करते हैं कुछ सेट ऑफ रूल से करते हैं, उन रूल का जो मेजर रूल है वो ये है कि अगर एक कोई कोवलेंट बॉन्ड बना है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो होली सोली किसको बिलोंग कर रहे हैं, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है? अब ये ऑक्सीजन दोनों आपस में ऑक्सीजन है, अब ये एक दूसरे से तो खींचेंगे नहीं, दोनों की पावर एक जैसी है, ये वाला ऑक्सीजन इससे खींच रहा है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है,
इस हाइड्रोजन से एक ही तो खींच सकते हैं, समझ आ रही है? ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से खींच रहा है। अब आ जाओ OF2 में, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कितने फ्लोरीन लगे हैं ऑक्सीजन के पास? 2 लगे हुए हैं। जब ये 2 खींचेंगे तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव 2, क्योंकि हर एक फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक, है ना? तो दो फ्लोरीन को कितने चाहिए? 2, तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव आ जाता है, समझ आ गई? अब इसका केस लो, अब इसका बॉन्ड ऐसे होता है, ये तो खींच ही नहीं रहे, ये आपस में नहीं खींचेंगे क्योंकि एक जैसे ही है दोनों, दोनों ही ऑक्सीजन है। टग ऑफ वॉर में कोई भी विन नहीं करेगा, विन कौन कर रहा है? ये फ्लोरीन इस ऑक्सीजन से खींच रही है, वो फ्लोरीन उस ऑक्सीजन से खींच रही है, तो हर एक ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव 1। ओके जी विदेश? यस मैम। ओके, अब और रूल, अच्छा जो आयनिक बॉन्ड बनाओ वो आपको पता ही है कि एटाइन के ऊपर पॉजिटिव है, एनायन के ऊपर नेगेटिव है, रूल लिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर, राइट डाउन इन द न्यूट्रल मॉलिक्यूल, लिख लो एक बार फिर समझाती हूँ। इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर, न्यूट्रल मॉलिक्यूल सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज जीरो, ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज जीरो। ठीक है, मान लो CH4 है, सबको प्लस करेंगे, इज इक्वल टू जीरो लिखोगे, जीरो ही होएगा। ठीक है, इन अ पॉलीटॉमिक आयन, इन अ पॉलीटॉमिक आयन सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द नेट चार्ज। जैसे सल्फेट है, जब सबके ऑक्सीडेशन नंबर प्लस करोगे इक्वल टू -2 लिखोगे, सल्फेट के ऊपर नेट चार्ज क्या होता है? -2। हम निकाल लें ऑक्सीडेशन नंबर, क्वेश्चन यही आने हैं बस। चलो जी मैम, पॉलीएटॉमिक आयन की एग्जांपल बताना। क्वेश्चन देखिए, आपके पास मिथेन है, आपको बोलते हैं मिथेन में इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, जिसका निकाल लो उसको एक्सज्यूम कर लो, और एक हाइड्रोजन कितना होता है जब नॉन मेटल के साथ लगी हो? पॉजिटिव 1, तो नेगेटिव 1, है ना? तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 1। तो हाइड्रोजन 1 का पॉजिटिव 1 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या है? सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की क्या वैल्यू आ गई? नेक्स्ट लिखो KMnO4 में मैग्नीज का, पोटेशियम पर मैग्नेट में मैग्नीज का, पोटेशियम पर देखो पोटेशियम की कितनी होती है? +1। अल्कली मेटल्स, पहले बेटे मैं आपको मेटल्स ये याद होने चाहिए, ये पी आपको ग्रुप वाइज याद है सारे एलिमेंट्स, भूल गए हम? तो पहले बेटे याद करोगे तभी तो ऑक्सीडेशन स्टेट याद रहेगी। लिखो अल्कली मेटल सारी, आप अलीना की रूबिया से फ्रेंडशिप, HLI, नहीं तो बारी बारी मैं बताती जाऊंगी फटाफट। अलीना की रूबिया से फ्रेंडशिप, ये सारे +1 है, मगर हाइड्रोजन -1 है जब इनके साथ ही लगाओ, अपने की दगा दे देता है, मेटल्स के साथ ही लगाओ, मेटल के पास ही पड़ा तब -1। ठीक है, आगे बेरिलियम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, बेरिलियम मैग्नीशियम
बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, आप कार स्कूटर कर लो, ठीक है? बेटा मंगे कार स्कूटर बाप राजी हो गया, भी बहुत जल्दी बुलेट मिल जाती है आजकल तो, है ना? फिर उसके बाद नेक्स्ट 13th ग्रुप क्या होता है? 13th ग्रुप के साथ आपको ये याद होना चाहिए, ये तो आप निकाल लोगे या भूल जाते हो, कैल्शियम खत्म होने के बाद सेकेंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये हमेशा याद रहना चाहिए। अब 21 से लेके 31st 12th में हम पूरा ही DF कर लेंगे, फिर उसका भी सिखाएंगे यारी जरा निभाना मोड़ तक, नेक्स्ट सीरीज। चलो आपने जरा पी ब्लॉक के एलिमेंट्स याद करके आना जल्दी।